जी नितेश जी, आपकी बारी, क्या कहना चाहेंगे? आपने शायद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही नहीं पढ़ा। आप जो पहला पॉइंट आपको बाहर किया है वो गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा नहीं बाहर किया है, अनुच्छेद 21 भी नहीं आपको बाहर किया है, और आप बार बार वही तर्क मुझसे कर रहे हैं कि गुणवत्ता पूर्वक आप होते तो आपको सुप्रीम कोर्ट का पेज नंबर 45 जो बीटीसी का विवाद का एक पूरा जजमेंट आया जो लिखा है कि आप गुणवत्ता पूर्वक आप एक बार सुनो कि शिक्षक भर्ती में मात्र 31,000 थे, 31,000 बीटीसी क्या ना बीएड थे और बाकी नहीं थी। गुणवत्ता होती तो हमसे ज्यादा फाइट करते आप। देखो वेट अ मिनट, एक आदमी आपने हमेशा 2,500 में आपकी सीट खाली चली गई, बीटीसी खाली गई, गुणवत्ता नहीं थी। एक-एक करके अपनी बात रखिए वरना किसी बात में हम आपसे जल्दी चयन नहीं है। आप केबीएस पीआरटी का डिसीजन बोर्ड रिजल्ट उठा के देख लो तो 4 लाख बीएड वाले और बाकी बीटीसी है। आप कहीं भी गुणवत्ता का आधार मान लेना और आप चेक कर लेना की बीएड हमेशा बीटीसी भारी पड़ा है और पड़ता रहेगा। मैं अभी आपको रिजल्ट भी कुछ पेश करता हूँ, अब आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपका ड्राइवर नितेश पांडे, हमें कोई पैसा की जरूरत नहीं है, ऐड में आपसे ज्यादा नंबर होंगे मेरे। तर्क करो भाई, तथ्यों के साथ। आप सुपर ऐड में मेरे 120 नंबर है, 120 होता है 122। आप क्वालिटी में क्वालिटी एजुकेशन में बात मत करना, मुझे आपकी बात से पूरी लगी कि आप बोले कि वैसा की ब्रिटिश कोर्ट हमें कवारी सरकार हम उसका आदेश का पालन करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं कि हम आप किसी वैसा की जोड़ते हैं। सबसे प्रतिष्ठित नौकरी करके आए पर आप मुद्दे से भटक रहे, आप बात नहीं सुन रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में काम कर चुके हैं, बात तो सुनिए दूसरे व्यक्ति की। आप बोल रहे हैं क्वालिटेटिव एजुकेशन दे रहे हैं, आपको बताते हुए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको माना है आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं दी जा रही है। दूसरा पॉइंट मैं आपसे कहूंगा, सुनिएगा, आपका ड्राइवर वो जिंदगी भर गाड़ी चला गया, उसका लाइसेंस नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो 8 अगस्त के बाद लागू होगा। तो अभी हमने एक स्पष्टीकरण एक याचिका डाली है, उस पर स्पष्टीकरण याचिका में अभी इस बात का क्लियर हो जाएगा। मैम एक बात पहले शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें बीएड वाले शामिल हुए थे, आज वो उन्हें नौकरी करते करते 10 साल हो चुकी है। आप याद होगी कि बात पहले शिक्षक भर्ती में हरिओम जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि जैसा कि कहा जा रहा है कि बीएड वालों के पास काफी ऑप्शन है और बीटीसी वालों के पास नहीं है, प्राइमरी ही उनके पास, और जो बीएड वाले हैं वो बड़ी क्लास भी यानी कि 6 से लेकर 9 तक भी पढ़ा सकते हैं, तो आखिर प्राइमरी के लिए ही इतनी लड़ाई क्यों? हरिओम जी, सबसे पहले के जो प्रश्न हमारे नितेश भाई ने किया मैं उसको जवाब देना चाहूंगा जी। उन्होंने कहा कि हम बीएड वालों के पास योग्यता नहीं है। मैम सत्यम भैया ने कहा कि अगर उसमें गलत किया, अगर हम 150 क्वेश्चन में 135 140 130 ला रहे हैं तो मैम ये योग्यता का निर्धारण नहीं करता तो क्या करता है? दूसरी बात ये रही कि अगर हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं मैम तो ये क्या डिसाइड हमारे नितेश भाई करेंगे? मैम इसका डिसाइड करने का काम गवर्नमेंट का है, इसको डिसाइड करने का एनसीटीई का है कि नितेश भाई का है? मैम एक मैं पहले भी पूर्व में आपके चैनल के सामने थोड़ी बात कहा था मैंने कि सरकार एक स्वतंत्र एजेंसी अपॉइंट करे, एक कोई संस्था गठित करे, कमेटी गठित करे, वो सर्वे करे कि जो हमारे बीएड के भाई लोग प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, हमारे जो बीटीसी के भाई बहन लोग पढ़ा रहे हैं, उनसे कंपैरिजन किया जाए कि क्या बीएड वाले भाई हमारे मिड डे मील योजना हो या कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, कोई प्लानिंग हो, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या है बेसिस, वो किस प्रकार से कह रहे हैं कि हम क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं? हम अगर टेट और सीटेट और सुपर टेट क्वालिफाई करके फिर हम जो है एलिजिबल होते हैं, उसके बाद वहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पढ़ाने के बाद में भी अगर हम नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं तो डिसाइड नीतीश पांडे नहीं करेंगे। अगर मुझे अथॉरिटी नहीं डिसाइड करने का तो नीतीश पांडे को भी नहीं। रही बात मैम मौका देने की, मैम केवल जैसे सत्यम भैया ने कहा बिल्कुल सही कहा, केवल बीएड वालों को टीजीटी में अलाउ किया जाता है। अगर आपको पीजीटी में अभी भी उत्तर प्रदेश में केवल पीजी मान है, अगर आपको जीएससी लेक्चर में जाना है तो पीजी मान है, ईएलटी ग्रेड और टीजीटी को छोड़ दिया जाए मैम तो उसके अलावा बीएड को कहीं भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। रही बात मैम वैकेंसी की, तो लगभग 90% वैकेंसी पीआरटी में आती है जी। और अगर हम पीआरटी, अगर हम 2018 के गजट नोटिफिकेशन में अगर ये कह दिया गया होता कि बीएड वाले केवल 2 साल के लिए, बीएड वाले केवल 3 साल के लिए, बीएड वाले केवल 1 साल के लिए ही एलिजिबल होंगे, हम लोगों ने बीएड न किया होता जी। ठीक है, अगर मैम रही मैम क्वालिटेटिव एजुकेशन की फिर, तो अगर एनसीटी ने उसमें ब्रिज कोर्स की बात की थी तो हम लोगों के लिए ब्रिज कोर्स क्यों नहीं करवाया उन्होंने? ठीक है ठीक है सत्यम जी। मैम फिर मेरे एक प्रश्न और है, यहाँ मैम जो लड़ाई लड़ी जा रही है पूरा घुमाया जा रहा है कि बीएड और बीटीसी, अब हमारे शिक्षा मित्रों भाई लोगों को इसमें डाल दिया गया है। मैम समझने की बात है, जब हमारे यही नीतीश पांडे भाई इको गार्डन में शिक्षक भर्ती की बात कर रहे थे, तो बैनर लगा के 3 लोग बैठे थे मैम वहाँ पर जी। कितनी बार मैम हम लोग खुद गए हैं शिक्षक भर्ती के लिए, कितनी बार ऑनलाइन हम जुड़े हैं और कहा है कि हम लोग भी आपके साथ में हैं। मैम जब टीचर वैकेंसी भर्ती की बात हो, हम बीएड भाइयों को इनको साथ चाहिए। आज जब हम लोगों के ऊपर मान लीजिए संकट आ गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसमें ये कह रहे हैं नहीं सही हुआ सही हुआ, तो ये मैम दोहरापन तो नहीं चलेगा। कोई तो एक मैम निर्णय लेना नीतीश भाई हमारे, बिल्कुल सबको अपना पक्ष रखने के पूरे जी। ठीक है।